पटाख 30 सेकंड में हर खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। स्मार्टफोन्स की दुनिया बड़ी होती जा रही है। हर महीने नई तकनीक से लैस स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च हो रहे हैं। इस लिहाज से फरवरी का महीना भी खास रहने वाला है। अगर आप अपने लिए नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आइए एक नजर डालते हैं इस महीने लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन्स और उनकी खासियतों पर। इस महीने लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स में ओप्पो, शियोमी, रियलमी, वीवो और सैमसंग जैसी कंपनियां शामिल हैं। खबर है कि इस महीने ओप्पो रेनो सीरीज के दो नए स्मार्टफोन लेकर आ रहा है। कंपनी इसी महीने रेनो 7 और रेनो 7 प्रो स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी। दोनों ही स्मार्टफोन्स को चीन में लॉन्च कर दिया गया है और अब इसका भारत में इंतजार है। ओप्पो रेनो 7 प्रो को मीडिया टेक डिमेंसिटी 1200 मैक्स प्रोसेसर से लैस किया गया है। साथ ही ये फोन फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। ओप्पो रेनो 7 सीरीज 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आएगी। Xiaomi भी अपने नए प्रोडक्ट के साथ तैयार है। कंपनी 9 फरवरी को Redmi Note 11S स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है। ये फोन अपने सीरीज का दूसरा प्रोडक्ट होगा। इससे पहले कंपनी ने Redmi Note 11T 5G को बाजार में लॉन्च किया था। इस फोन में 109 मेगापिक्सल का कैमरा लगा होगा। कंपनी के मुताबिक इस फोन का डिस्प्ले भी शानदार होगा। माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इस स्मार्टफोन से जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा करेगी। Realme इंडिया ने भी Realme 9 सीरीज के टीजर को जारी कर दिया है। हालांकि अभी तक इसके लॉन्च की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी फरवरी में ही इन दोनों डिवाइस को बाजार में लॉन्च कर देगी। कंपनी Realme 9 Pro और Realme 9 Pro Plus को एक साथ लॉन्च करेगी। इन दोनों फोन्स का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसी महीने Vivo अपने नए फोन T1 5G को भी लॉन्च करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक परफॉर्मेंस ड्रिवन स्मार्टफोन होगा। Vivo T1 5G को भी 9 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। ये स्मार्टफोन सिर्फ Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी का दावा है कि ₹20,000 तक के सेगमेंट में ये सबसे फास्ट और स्लिम 5G स्मार्टफोन होगा। हालांकि फोन से जुड़ी ज्यादा जानकारी लॉन्च के वक्त ही पता चल पाएगी। फरवरी में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन की लिस्ट में सैमसंग भी शामिल है। सैमसंग अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट गैलेक्सी S22 का ग्लोबल डेब्यू 9 फरवरी को करने जा रहा है। हालांकि ये फोन भारत में बिक्री के लिए कब से उपलब्ध होगी, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जल्द ही गैलेक्सी S22, गैलेक्सी S22 प्लस और गैलेक्सी S22 अल्ट्रा को भारतीय बाजार में भी लॉन्च करेगी। गौरतलब है कि कंपनियों ने अभी तक इन फोन्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है और ना ही इनकी कीमतों के बारे में कोई खुलासा किया है। लेकिन अगर आप एक नए स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो ये 4 स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं।